अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सब लोग ठीक ठाक है? आज मैंने अभी न्यूज़ पढ़ी है तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ है कि यार ये पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। अगर ये दोबारा पाकिस्तान ने गलती कर ली तो पाकिस्तान की जो मौशियत है, इकानमी है, वो बुरी तरह से अपसेट होगी, क्योंकि इस तरह की गलती 2012 में भी पाकिस्तान ने की थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकानमी बहुत ही डाउन हुई थी। क्योंकि आजकल का जो दौर है वो मीडिया का दौर है, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, और हर बंदा आईटी की फील्ड के साथ मुंसलिक है। किसी ना किसी जगह पे आईटी की आपको ज़रूरत लाजमी तौर पर पड़ेगी, क्योंकि प्रिंट मीडिया और ये वो अब वो दौर ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, यानी यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ये वो, इन चीज़ों का अब दौर है। और जो भी आपके पैगाम है, जो भी हो आपकी एक्टिविटीज़ है, लोग यहाँ पर शेयर करते हैं, तो आपको मेरे ख्याल से अब ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। जी मैं बात कर रहा हूँ, मैंने अभी न्यूज़ पढ़ी है, हर न्यूज़ चैनल पे यही आ रहा है कि यूट्यूब पाकिस्तान में बैन होने जा रही है। लेकिन साथ में वो लोग हिंट भी दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अभी उन्होंने वार्निंग दी है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आप लोगों ने ये हमारा काम ना किया तो हम यूट्यूब को बंद कर देंगे। वो ऐसा कौन सा काम है? यूट्यूब के ऊपर कुछ मुवाद पड़ा है पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान के कुछ अदारे हैं उनके अगेंस्ट वो मुवाद पड़ा है। पाकिस्तान की रिक्वायर्ड ये है कि जो मुवाद पड़ा है यूट्यूब के ऊपर पाकिस्तान के अगेंस्ट, इसको आप हटाएं, अदरवाइज़ हम पाकिस्तान में यूट्यूब को बैन कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर गूगल यूट्यूब वाले बोलते हैं कि हम लोग ये मुवाद नहीं हटाते, आप कर लो जो करना है, तो पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? यूट्यूब को बैन करेगा। यूट्यूब अगर बैन हो गई तो इसमें पाकिस्तान को नुकसान होगा, 100% नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान में लाखों ऐसे क्रिएटर मौजूद हैं जो यूट्यूब पर काम करते हैं और अपना रोज़गार कमाते हैं, यानी दूसरे मुल्क से पाकिस्तान में पैसा लाते हैं करोड़ों अरबों की तादाद में। अगर किसी भी कंट्री में दूसरे मुल्क से पाकिस्तान में पैसा आएगा तो इसमें पाकिस्तान की इकानमी स्ट्रॉन्ग होगी। अगर ये सारा पैसा फॉर एग्ज़ाम्पल बंद हो गया ना, तो पाकिस्तान की इकानमी को बहुत बड़ा धचका लगेगा। तो मेरे ख्याल से ये जो फैसला है ये इंतहाई गलत साबित होगा अगर ये पाकिस्तान वाले करते हैं तो। लेकिन अभी ये उन्होंने बोला नहीं है कि कल से ही हम जो यूट्यूब है उसको बंद कर रहे हैं, अगर सिर्फ उन्होंने वार्निंग दी है कि 2 3 4 दिन में, जितनी भी उन्होंने वार्निंग दी है कि इन दिनों में आप वो मवाद ख़त्म कर दें तो हम लोग फिर बैन नहीं करेंगे, अदरवाइज़ हम लोग बैन करेंगे। क्योंकि पहले ही टिकटॉक, बिगो, इस तरह के जो ऐप हैं वो बंद कर दिए गए हैं, और अब यूट्यूब का लोग बोल रहे हैं। मैं समझा कि सिर्फ ये वैसे ही फेक न्यूज़ है, लेकिन मैंने चैनल्स के ऊपर खुद देखा है कि बोल चैनल और 24 चैनल, इनके ऊपर मैंने खुद ये हाइलाइट्स देखी हैं कि यूट्यूब पाकिस्तान में बंद होने जा रही है, लेकिन अभी बंद नहीं हुई। हम लोग अपना सिर्फ ओपिनियन आपके सामने शेयर कर रहे हैं, हम लोग ये नहीं बोल रहे कि ये गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, लेकिन हम एक अपना एज अ पाकिस्तानी आपको अपना ओपिनियन बता सकते हैं कि हमारे ओपिनियन के मुताबिक ऐसा होना चाहिए। पीटीए को चाहिए कि वो गूगल या यूट्यूब के साथ कॉन्टैक्ट करके उनको बोले कि ये जो हमारी रिक्वायरमेंट है उनको आप पूरा कर दें, जो मवाद है हमारे अगेंस्ट, हमारे जो अदारे हैं उनके अगेंस्ट मवाद जो पड़ा है तो आप उसको डिलीट कर दें, और सारा जो ये मामला है उसको सेटल कर रहे हैं, ताकि लोगों का रोज़गार भी लगा रहे और जो लोग उनके साथ कनेक्ट हैं तो उनका भी जो सर्किट है वो चलता रहे और पाकिस्तान की इकानमी को भी ना कोई नुकसान हो। क्योंकि आपको पहले ही पता है कि जो ये कोरोना की वजह से इकानमी, हर मुल्क की इकानमी, पाकिस्तान की इकानमी को भी बहुत नुकसान हुआ है। पाकिस्तान में लाखों ऐसे क्रिएटर हैं जो कि यूट्यूब के साथ काम करते हैं और अपना पैसा कमाते हैं और अपने घर वालों का, बीवी बच्चों का, सबका पेट पाल रहे हैं। अब जो लोग लाखों में पैसे कमा रहे थे वो लोग हज़ारों में आ जाएंगे, क्योंकि व्यूज़ नहीं आएंगे, लोग वीपीएन यूज़ करेंगे, लेकिन वीपीएन भी इतना स्ट्रॉन्ग काम नहीं करेगा जिस तरह एक रीजनल होता है, और जिस तरह लोगों के पहले व्यूज़ आते थे उस तरह लोगों के व्यूज़ नहीं आएंगे, और उनके जो पैसे हैं, उनकी जो इनकम है, उसमें भी कमी आएगी। इसलिए पाकिस्तान को ये बड़ा सोच समझ कर स्टेप लेना चाहिए कि यूट्यूब को बैन करना चाहिए या नहीं। तो हमें उम्मीद है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट बड़े ही संजीदा तौर पर इसके ऊपर काम करेगी, क्योंकि ये पाकिस्तान की इकानमी के रिलेटेड भी बड़ा मसला है। लाखों, करोड़ों, करोड़ों की तो बात मैं चैनल नहीं करता, लाखों में ज़रूर होंगे पाकिस्तान में ऐसे क्रिएटर के जो यूट्यूब पर काम करते हैं। अभी आप लोग देख लें, पाकिस्तान में कोई भी ऑफिस नहीं है यूट्यूब का, गूगल का, अमेजोन का, ये वो, और इंडिया में इनके सब के ऑफिस मौजूद हैं, क्योंकि इंडिया आईटी को सपोर्ट करता है, तो इसलिए उन सब के वहाँ पे ऑफिस वगैरह मौजूद हैं। पाकिस्तान को भी चाहिए कि पाकिस्तान भी इन आईटी के रिलेटेड जो फील्ड हैं उनको सपोर्ट करे, ताकि पाकिस्तान में भी आईटी का रुझान ज़्यादा हो, क्योंकि फ्यूचर में टोटल आईटी है, फ्यूचर में ये जो दूसरे मीडिया वगैरह इनका कोई
कंसेप्ट नज़र नहीं आ रहा फ्यूचर में टोटल ही, जो मैं ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यही चलेगा। इसलिए लोगों को आईटी के बारे में थोड़ा सा रुझान बढ़ाना चाहिए और आईटी पर आप लोगों को आना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह आप लोग यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। साल देता हूँ, अगर एक बंदा है उसके पास कोई जॉब नहीं है और वो यूट्यूब पर काम कर रहा है, बस करना क्या है, वीडियो बना रहा है, कंटेंट बना रहा है घर में बैठकर ही, अगर उसका उधर से रोज़गार चल रहा है तो उसके लिए अच्छी बात नहीं है कि वो बेरोज बैठने से वो अच्छा नहीं है कि वो अपना कंटेंट बनाए, यूट्यूब पे डाले और करे भी कुछ ना और पैसे भी कमाए, वो भी खुशहाल और पाकिस्तान भी खुशहाल। तो ये एक बड़ा अच्छा वे है लोगों का पैसा कमाने के लिए, और ख़ास तौर पर जो हमारी फ़ीमेल हैं जो ऑफिस वगैरह आउटसाइड काम नहीं कर सकती, उनके लिए ये यूट्यूब बड़ा ही अच्छा जरिया पैसा कमाने के लिए। वो घर रह कर अपनी जो उनके पास कोई भी टिप्स हैं, कोई भी नॉलेज है, वो शेयर करती हैं लोगों के साथ से कमा सकती हैं, और ये एक बड़ा अच्छा जरिया। लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान इतनी जल्दी इसको बैन नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को भी पता है कि इसमें हमारा नुकसान है। तो अभी हम अल्लाह से ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ये जो मामला है इसको सेटल कर दे अच्छे तरीके से, ताकि पाकिस्तान का भी कोई नुकसान ना हो और जो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाए, और जो यूट्यूब के साथ लोग जुड़े हुए हैं उनका भी कोई नुकसान ना।